तो भैया आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए फिर से नए फोन लाए हैं जिसका है Vivo T1। नाम से ही कितना मस्त लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए हमेशा ऐसी नए नए फोन में लाता रहूँगा जो कि भी मार्केट में नहीं आया, लेकिन आपको उसके पहले ही अपडेट करा दूंगा। तो वीडियो पे आते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस फोन की बात करें तो फोन के जो डिस्प्ले है कंपनी ने दिया है 6.7 इंचेस का, जो कि काफ़ी बड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें फुल HD AMOLED डिस्प्ले दिया है जो कि 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट पर काम करता है, यानी कि आपका कोई भी ब्राउजर हो, एप्लीकेशन हो, आराम से चलने वाला है। फिर बात करते हैं इसमें एंड्रॉयड की, तो कंपनी ने इसमें एंड्रॉयड 11 दिया है, जो कि अब कंपनी को एंड्रॉयड 12 दे देना चाहिए, लेकिन फिर भी कंपनी ने एंड्रॉयड 11 दिया है, तो ठीक है, चलता है, कुछ और वेट करते हैं। कंपनी ने इसमें प्रोसेसर के नाम पे दिया है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778G, जो कि 5G पे है, और इसका चिपसेट का साइज है 6 nm का। CPU इसमें कंपनी ने दिया ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि है 4x2.5, चलिए इसकी बात नहीं करते हैं। GPU कंपनी ने इसमें दिया है एंड्रीनो 642L, यानी कि गेमिंग के लिए तो काफ़ी अच्छा खासा नामी वाला GPU है, मतलब फ़ोन का गेमिंग बहुत अच्छा होने वाला है फ़ोन में गेमिंग। बात करते हैं इसमें स्टोरेज की, तो कंपनी ने इसमें बहुत सारे वेरिएंट रखे हैं, जैसे एक वेरिएंट है 8GB के साथ 128GB स्टोरेज, दूसरा है 8GB के साथ 256GB स्टोरेज, और थर्ड है जो कि कीमती होगा शायद, तो वो है 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज। इसमें बात करते हैं कैमरा की, तो इसमें कंपनी ने ट्रिपल सेटअप कैमरा दिया है, जिसमें पहला कैमरा है 64 मेगापिक्सल जो कि वाइड एंगल के लिए है, सेकंड कैमरा है 8 मेगापिक्सल जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और थर्ड कैमरा जो है 2 मेगापिक्सल का जो कि मैक्रो फोटोशूट के लिए, इसे आप 4K रिकॉर्डिंग सब कुछ कर सकते हैं। बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी कैमरा इसमें 60 मेगापिक्सल का दिया है जो कि वाइड एंगल के लिए है, इससे भी आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट की बात करें तो कंपनी ने इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया है, लेकिन कंपनी को अब अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अब अंडर डिस्प्ले दे रही हैं, उससे फ़ोन की लुक काफ़ी अच्छी इंक्रीज हो रही है। बैटरी की बात करें तो कंपनी ने इसमें 5000 mAh की बैटरी दी है जो कि नॉन रिमूवेबल है, जिसके साथ कंपनी ने फास्ट चार्जर दिया जो कि 44 वाट का है। कंपनी का दावा है कि 70% फ़ोन को चार्ज होने में 38% कहीं टाइम लगेगा। तो आपको ये फ़ोन कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह के लेटेस्ट फ़ोन के बारे में जानकारी देते रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।